बसी में आप सबों की सलामती हो मैं नेशनल न्यूज़ चैनल की नहायती शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे मधु किया और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ मेरा नाम वेंजलिस मारिया यूनिस है मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ तो आज मैं आपके सामने खुदावंद का जिंदा कलाम लेके खुदावंत की आवाज़ लेके आप तक आई हूँ जो खुदा की आवाज़ खुदा ने मुझे मैसेज दिया है वो मैं आज आप तक पहुंचाती हूँ तो मेरा आज का टॉपिक है मेरा जो आज का नवान है वो है गुड चरवाहा अच्छा शेपर तो मेरे साथ रहिएगा मसीह में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों मेरे साथ आप खुलेगा जबूर और मैं पढूंगी ज़बूर आपके सामने और उस पर मैं खुदा के बारे में कुछ चंद बातें आपसे शेयर करूँगी जुबूर नंबर तेईस है खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी वो मुझे हरी हरी चरवागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है वो मुझे अपने नाम की सदाकत की सदाकत राहों पर ले चलता है बल्कि ख्वा मौत के साय की वादी में से मेरा गुजरो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है तेरा आशा और तेरी लाठी मुझे तसल्ली देते हैं तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे में छाता है तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेस होता है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर तक मेरे साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो आज का जो हमारा खास मैसेज जो खास हमारा टॉपिक है तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा गुड शेपर्ड, एक अच्छे चरवाहे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए नंबर वन जो अच्छा चरवा है एक लीड करने वाला चरवाही का एक लीडरशिप जो अगर एक लीडर होता है चाहे वो किसी जमायत का लीडर हो चाहे वो किसी कम्युनिटी का लीडर हो या वो किसी चर्च में लीड करता हो या वो किसी हुकूमत पे जब हम हकूमत में चलाते हैं तो वो एक लीडरशिप होते लीड करना और अकॉर्डिंग टू पाक कलाम के मुताबिक गुड शैपर के मुताबिक हमारे अंदर एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए नंबर वन सबसे पहले उसको खुदा के साथ वफादारी के साथ निभाना चाहिए वफादार यू शुड बी फेथफुल विद गॉड और जितनी भी क्लिसिया क्योंकि गुड शेपट जो है एक अच्छे चरवाहे की एक अलामत है कि उसको अपनी कलिसिया के साथ वफादारी के साथ रहना चाहिए क्योंकि जो कलिसिया है वो हमारी भेड़े हैं हमारे बच्चे हैं आपने देखा होगा कि कलाम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हॉली बाइबल वी शुड रीड द बाइबल एंड यू फॉलो द गॉस्पल बिकॉज़ गुड शेपर्ड जो है जो खुदा में क्वालिटी है वो एक खुदा के खादम में होनी चाहिए चाहे वोस्ट हो चाहे वो वेंजलिस्ट हो चाहे वो एक प्रीच करने वाला हो चाहे वो एक ले पर्सन हो क्योंकि अगर उसमें एक अच्छी क्वालिटी पाई जाएगी तो वो खुदाम के नाम को बेहतर तरीके से आगे पहुंचाएगा गुड शैपड़ में क्वालिटी पाई जाती हैं एक अच्छे चरवाहे में क्या क्वालिटी है क्योंकि जब हम क्लिशे के साथ चलते हैं अगर हम क्लिशे के साथ फेथफुल होते हैं जैसे खुदावई यूसु मसी की सौ भेड़ें थी और उनमें से एक भेड़ पीछे रह जाती है क्या खुदावई यूसु मसी ने उस भेड़ को छोड़ दिया नहीं मसीह में मेरे आजीज बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों मेरे साथ रहिएगा और गौर कीजिएगा तोजु कीजिएगा कीज़। क्योंकि ये कलाम जो है हमारे लिए बायस बरकत बायस रहमत है उन नहीं खुदा मसीह ने नानवे को छोड़ा और एक भेड़ के पीछे गया क्योंकि उसको उसकी फिक्र थी वो जाके उनको ढूंढता है और वो फिर उसको जब पाता है तो खुशी से उनको अपने कंधे पे उठा लेता है वो ये देखता नहीं है कि वो गंदा है या उसमें बहुत तरह से बदबू आ रही है वो उसके सोचे समझे बगैर ही जब उसको देखता है उसको चोट लगी है वो अपने पटके से खुदा अपने पटके से उसकी मलहम पट्टी करता है और फिर उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और फिर उन नानवे भेड़ों के साथ उसको शामिल करता है और इसी तरह एक अच्छी खादम में अच्छी खादमा में ये क्वालिटी होनी चाहिए अगर हमारी जमात में से अगर हमारे जि, जिस को हम लीड कर रहे हैं जिस ग्रुप को हम लीड कर रहे हैं अगर उनमें से एक हमसे आंखों से ओछल हो जाता है तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए हमें उनकी तलाश करनी चाहिए क्यों क्योंकि वो एक हमारा एक हिस्सा है और जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं जिस भेड़ों ने वो हमें ऊन देती हैं वो हमें दूध देती हैं, वो हमें एक पूरी एक दे रही, हैं। जैसे हम दे रही हैं, और चर्च में रहे हैं तो खादम का भी फर्ज बनता है कि हमें उनके साथ वफादारी के साथ चलना अगर कोई भटक गया है तो उसको राय रास्त पर लेके आना बहुत सारे खतरे बहुत सारी मुश्किलते एक अच्छे चरवाहे में आती हैं जो एक गुड़शापर एक लीडर होता है जब हम अगर मैं ईमान में मजबूत हूं अगर मेरे अंदर वो ईमान है अगर मैं खुदा में यूस मसीह के साथ फेथफुल हूं ईमानदारी से चल रही हूँ और मैं अपनी क्लिस की केयर कर रही हूँ मैं अपनी क्लिसे को फॉलो कर रही हूँ मैं अपनी क्लिस के पीछे जा रही हूँ उनकी हर जरूरियात को देख रही हूँ उसकी रूहानी खुराक को देख रही हूँ तो इसी तरह हमें उन खतरों से भी नहीं डरना चाहिए जो हमारी जिंदगी में हमारी राहों में रकावट का बायस बनते हैं मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों मेरे साथ रहिएगा और फॉलो कीजिएगा मैं पकलाम के मुताबिक ही बात कर रही हूं अकॉर्डिंग टू हॉली बाइबल आई एम टॉकिंग अबाउट यू क्योंकि जब हम भेड़ों के पीछे जाते हैं और जो खतरा आता है अगर मैं मजबूत हूँ ये खुदा का खादम एक चेतन की तरह मज़बूत है तो हम जिस ख़तरे में भी सबसे पहले आगे लेंगे हमारी जो भीड़े हैं हमारे पीछे 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 आएंगी मैं एक छोटी सी मसाल यहाँ पे देती चलूँ ये एक बहुत खूबसूरत वीडियो थी मेरे पास एक बहुत बड़ी आग जल रही है आगे आग का एक बहुत बड़ा अंबार हुआ है और जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां से गुजर रहा होता है और वो उसका ईमान देखो उसको पता है जब मैं ये आग क्रॉस कर जऊंगा या मैं इस आग से गुजर जाऊंगा इस खतरे से गुजर जाऊंगा तो मुझे कुछ खतरा नहीं होगा मुझे कोई चीज भी अजा नहीं पहुंचा सकती मुझे एक खराश भी नहीं आएगी और वो उस आग में से जंप करके गुजरता है और जो उसके पीछे भेड़े होती हैं वो आसा आसा उसमें जंपिंग करती हैं और वो क्रॉस कर जाती हैं और उनको कुछ भी नहीं होता क्यों क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखती हैं उनका लीड करने वाला उनका जो गुड शैपर्ड है जो एक अच्छा चरवाहा है वो ईमान में मजबूत है तो उसने अपनी भीड़ों को भी मजबूत की है परेस्ता लॉर्ड हालेलुया क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटियों को फॉलो करना है और जो अच्छा चरबाह है वो हमेशा वफादारी के साथ अपनी दिलचस्प के साथ जब चलता है तो यकीन हर खतरे हर मुश्किल हर बीमारी से हम नजात हासिल कर सकते हैं क्योंकि पाक कलाम में लिखा है एक जगह पे कि तू मेरी इबादत कर तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा और बीमारी तेरे बीच से निकल जाएगी प्रेस और अगर हम एक अच्छे चबाहे को सामने रखते हुए खुदावंत की कवानी को खुदावंत के हुक्म को फॉलो करते हैं तो यकीन हम जरूर इसमें कामयाबी हासिल करेंगे तो मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों प्यारे बच्चों और बुज़ुर्गों जो इस वक्त मेरे सामने हैं मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी यू शुड फेथफुल विद गॉड आप खुदा के साथ वफादारी से रहें अगर हम खुदा के साथ अपनी वफादारी को न हैं एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटी रखते हैं एक वो पूरी अकाम जो है पाक कलाम के मुताबिक हम उनको पूरा करते हैं अपनी किस्से की फिक्र करते हैं और यकीनन खुदावन आपको कसरत से बरकत देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों क्योंकि खुदावन युस मसीह अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है अपनी भेड़ों के बारे में सोचता है इट्स मीन अपनी क्लिसिया के बारे में एक खुदा के खादम को एक खुदा के लीड करते जो क्लिस को लीड करता है उसको भी अपनी कलिसिया के बारे में बहुत अच्छी तकवा रखनी चाहिए एक अच्छी थिंकिंग रखनी चाहिए गुड थिंकिंग जब हम दूसरों के लिए रखेंगे तो यकीन खुदा हमें कसर से बरकत देगा ये मत सोचें कि मैं अगर इनके साथ एक अच्छा करूंगा तो ये मुझे गिवन टेक देंगे नहीं जब हम नेकी करते हैं जब वो हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो हम सिर्फ खुदावन पर तवक्कुल रखें क्योंकि खुदा जो है जो हमें अचर देता है खुदा जो है हमें बरकत अता फरमाता है खुदा जो है हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है तो मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों गुट अच्छा चरवाहा जो बच्चे आज जुबानी याद करते हैं खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी तो जब खुदावंद हमारी जिंदगी में है जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए हमने उस जबूर को फॉलो करना चाहिए जो लिखा है खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी हर इंसान जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस आयत को याद रखिएगा कि खुदाम मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी जब हम ये अपने दिल में ठान लेते हैं हम पुख्ता आराधा कर लेते हैं तो यकीनन डेफिनेटली गॉड विल गिव यू लॉट ऑफ blessing फ्रॉम हावन तो मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों आज के कलाम को सुनिएगा और आज की कलाम के वसीले से खुदामंद आपको बरकत देना चाहता है खुदाम आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है पता नहीं कौन सी घड़ी कौन सा वक्त आपको दे दे। इस कलाम के वसीले से खुदामंद आपको आगे लेके चलना चाहता है क्योंकि जिस किसकी जिंदगी में यस्ु है जिसकी जिंदगी में यस्ु है वो सबसे ज्यादा अमीर है उसको किसी चीज की कमी नहीं है मत सोचिए कि आज हमारे पास कुछ नहीं है ये एक-एक बंदा सोचे कि हमारे पास यस्ु है तो वी आर रिच। इस बात को अपने जेन में फॉलो कर लीजिएगा कायम कर लीजिएगा ताकि हम खुदा की आवाज को सुनना चाहिए सिर्फ खुदा हमें क्या कहता है खुदा में किस जगह इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि जब हम बच्चों को ये आयते सिखाती हैं जुबानी, खुदावंद मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी तो बड़े भी अपने जिन में अपने माइंड में नौजवान लड़की, नौजवान लड़के ये अपने माइंड में रख लें कि अगर यस्ू है तो हमें कोई ख़तरा नहीं है हर खतरे से हम टल जाएंगे हर खतरे से हम हमें खुदा बचा लेगा क्योंकि इसमें हमें कायम रहना है क्योंकि एक अच्छा चरवाहा जो है वो यकीनन अपनी भेड़ों के साथ वफादारी के साथ चलता है और भेड़ी जो है जो क्लिसिया क्योंकि जो भेड़ी है वो क्लिस है वो है और जो अच्छा चरवाहा उसे खुदा की से खादमी दी गई है कि जो अच्छा चरवाहा है वो किस तरह अपनी भेड़ों के बारे में अच्छा सोचता है जैसे खुदावन ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा खुदावन ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान भी दे दी इसी तरह अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है तो खुदावन आपके साथ तो इस कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको बरकत दे तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं अपनी आँखों को बंद कीजिए और फील कीजिए कि खुदा में यहाँ मौजूद है अम मेहरबान यस्सु तो जो है तो जो था तो जो आने वाला है हम इस वक्त तेरी खजूरी में झुकते हैं ने अपने आप को तेरे सामने सिलेंडर करती हूँ मैं अपने आप को पीछे और खुदाम तुझे आगे रखते हुए रहमत बन जाए आज के कलाम के जरिए से हम नजात हासिल कर सकें आज का कलाम हमें हौसला दे आज का कलाम हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए आज के कलाम के वसीले से हमें वो खौफ खतरा सब सु हमारे दूर कर दे ताकि हम मसी में कायम रहें और मसी हम में कायम रहे मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन खुदावंद आप सबों को बरकत दे अपनी पना और अपनी हिफाजत में रखें थैंक यू वेरी मच कार प्लेस यू मैं नहायती शुक्र गुज़ारूँ नेशनल टी वी वालों की जिन्होंने मुझे यहाँ पर मधु किया और खुदा की आवाज़ लेकर जो मैं सुबह के टाइम आई तो खुदा आज का दिन आपके लिए बाय से बरकत बाय से ठहर जाए। गुड मॉर्निंग हैव ए नाइस डे स्टे विद ब्लेस एंड बी हैप्पी कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम गॉड ब्लेस यू